नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में बेसिकली जो हम बात करेंगे कि पेट्रोल डीजल के रेट जो इतने ज्यादा महंगे हो चुके हैं, तो आज के टाइम में आम आदमी को गाड़ी चलाना या स्कूटी चलाना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की। इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो हम आज आपके पास लेके आए हैं वो है मोशन मैन की इलेक्ट्रिक स्कूटी। इलेक्ट्रिक स्कूटी की अगर मैं बात करूँ तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये एक इंडियन ब्रांड कंपनी है मोशन मैन। तो हम इसके आज एक टॉप डिटेल फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि ये स्कूटी किस तरह की है, इसकी क्या रेंज है, इसमें क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं और इस स्कूटी में हमें क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी चाबी से, तो इसकी चाबी कुछ इस तरह की है। इसमें आपको दो चाबी मिल जाती हैं और साथ में दो ही सेंटर लॉकिंग के फीचर मिल जाते हैं, सेंटर लॉकिंग की मिल जाती हैं। तो अगर इस की में मैं बात करूँ तो इसमें आपको ये बटन मिलते हैं जिसमें आपको लॉक, अनलॉक, और आप इसमें इसी से ही गाड़ी में आपको चाबी लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं से ही स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको दो बार दबाएंगे तो आपकी गाड़ी ये स्टार्ट हो जाती है स्कूटी। तो अगर आप इसको बंद करनी है तो इसको भी आप एक सिंपल यहाँ पे आप लॉक का बटन दबाएंगे तो आपकी ये बंद हो गई। और आपको यहाँ पे ये एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता है कि अगर आपको अपनी गाड़ी को अलार्म बजाना है तो ये भी आप कर सकते हो, जिसमें कि आप पार्किंग में आप अगर अपनी स्कूटी को पार्किंग में कहीं पे खड़ी करके भूल जाते हैं तो आप इसको दबा के आप सिंपल ये दबा के चेक कर सकते हो कि आपकी गाड़ी कहाँ पर है। तो अब हम बात करते हैं इस स्कूटी के कुछ फीचर्स के बारे में। तो इस स्कूटी का अगर मैं आपको फ्रंट से लुक दिखाऊँ तो फ्रंट से कुछ इस तरह की ये स्कूटी दिखती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी जो अगर मैं लुक की बात करूं तो इसकी लुक काफ़ी थोड़ी सी अलग ही लुक है और इसकी काफ़ी बोल्ड लुक बनाई हुई है। तो लुक एक सबका अपना पर्सपेक्टिव व्यू होता है कि किसको कौन सी स्कूटी अच्छी लगती है, किसको कौन सी स्कूटी या किसको कुछ किस तरह की लुक अच्छी लगती है। तो अगर मैं इस स्कूटी में बात करूं तो इसमें आपको सारी LED लाइट्स मिलती हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छा थ्रो देती हैं। अगर मैं इसमें लाइट को मैं जला के दिखा देता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो कि इसमें LED लाइट्स मिलती हैं, साथ में आपको ये यहाँ पे DRL मिलते हैं और साथ में आपको ऊपर की तरफ यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ स्कूटी की लुक इस तरह की है, जो कि आप देख सकते हो कि स्कूटी की लुक और इसका लाइट का जो थ्रो है काफ़ी अच्छा है। अगर LED लाइट का थ्रो की मैं बात करूँ तो लाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं आपको इस स्कूटी के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो इस स्कूटी की जो ये फीचर्स हैं इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और जो कि ट्यूबलेस टायर के साथ मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। और इस स्कूटी में आपको ये यहाँ पे ऑन, लॉक, अनलॉक, साथ में आपको कुछ इस तरीके के फीचर मिल जाते हैं। इसमें आपको तीन ड्राइव मोड मिलते हैं, ड्राइव 1, 3, 2, 1, इस तरीके से ये आपको यहाँ पे तीन स्पीड मोड मिल जाते हैं, जिसमें आपको ये इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, अगर इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलती है मैक्सिमम स्पीड में। लेकिन हाँ, इसकी जो रेंज की बात करूँ तो रेंज इसमें जो मिलती है, रेंज इसमें आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। इसकी जो रेंज है वो आपको 60-65 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। और इस स्कूटी में आपको लिथियम बैटरी के साथ मिलती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको लेड एसिड की बैटरी मिलती है, जैसे काफ़ी स्कूटियाँ क्या होती हैं कि लेड एसिड बैटरी के साथ मिलती है, लेकिन इसमें आपको लेड एसिड बैटरी नहीं मिलती बल्कि आपको लिथियम बैटरी के साथ मिलती है। इस स्कूटी में जो हमें मिलती हैं ये बेसिकली लिथियम बैटरी के साथ मिलती है। और इस स्कूटी का जो मैं अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इस स्कूटी का जो प्राइस है वो 66,000 रुपीज़ का है। और 66,000 रुपीज़ में इसमें क्या क्या फीचर्स हमें मिलते हैं वो मैं आपको एक बार बताऊं। तो इसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, रियर में डिस्क ब्रेक मिलती है और इसमें आपको 12 इंच के टायर मिलते हैं। अगर इसकी मोटर की बात करूँ तो रियर टायर में ही इसकी मोटर है और इसमें यहाँ पे ये शॉक ऑब्जर्वर है, शॉकर्स। और इसकी जो बैटरी है, बैटरी आपको लिथियम बैटरी यहाँ पे मिलती है। तो आप एक तरीके से देख सकते हैं कि इसकी स्कूटी की जो लुक है वो काफ़ी अच्छी है और स्कूटी में जो फीचर्स दिए गए हैं वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। और ये बेसिकली स्कूटी जो बनाई गई है थोड़ी सी सिंपल और सोबर बनाई गई है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा बोल्ड वो किया गया है या फिर ज़्यादा शो शाका किया गया है। अगर हम इस स्कूटी में बात करें तो आपको फ्रंट में यहाँ पे भी आपको छोटे सा बैग, छोटी सी पॉकेट मिल जाती है जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट भी मिलता है, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल चार्ज करने का पोर्ट भी देख सकते हो कि आप यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का लगा के आप ऑन द गो चल सकते हैं। अब इस स्कूटी के आगे मैं बूट की बात करूँ तो इस स्कूटी के बूट में, इस स्कूटी का बूट जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से खुलता है। इस स्कूटी का बूट वो जो कि कुछ इस तरीके का है। अगर मैं इस स्कूटी के बूट की बात करूँ तो इस स्कूटी का बूट कुछ इस तरीके का है। तो इसमें जो आपको है कि मैं आपको बूट का बताऊं तो कुछ इतना तो नहीं है कि आपका बड़ा हेलमेट आएगा, लेकिन हाँ छोटा हेलमेट जो केवल बच्चों का हेलमेट होता है या फिर एक सिंगल जो हेलमेट होता है छोटा वाला, वो आपका इजीली इसके अंदर फिट हो जाएगा।
इस स्कूटी में एक सेफ्टी फीचर भी दिया गया है कि इसमें आपको MCB ऑन द गो दी हुई है कि अगर इस स्कूटी में कोई माल फंक्शन होता है या फिर कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ ट्रिप होता है तो स्कूटी की जो MCB है वो यहाँ से बंद हो जाएगी, जिससे कि आपको ऑन द गो सेफ्टी मिल जाएगी। अगर स्कूटी के चार्जर की बात करूँ तो इस स्कूटी का चार्जर आपको इसके साथ मिलता है, जो कि कुछ इस तरीके का है। ये आप देख सकते हो कि ये इस स्कूटी का चार्जर है, जो कि आप 12 वोल्ट सॉकेट के साथ चार्ज कर सकते हो, अपने घर में ही इसको चार्ज कर सकते हो। इसका जो चार्जिंग का पोर्ट है वो यहाँ पे दिया गया है, इसका चार्जिंग का पोर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अब मैं अगर बात करूँ तो इस स्कूटी में आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि ये स्कूटी की जो टॉप स्पीड है वो 25 है। 25 की स्पीड की वजह से इस स्कूटी में आपको ना ही तो कोई चार्जर आपको हेलमेट की ज़रूरत है, अगर देखा जाए तो ना ही आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। इसको स्कूटी को लेके आप ऑन द गो चल सकते हैं। इस स्कूटी में ना आपको इंश्योरेंस की नीड है और RC वगैरह इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका बेसिकली बस आपको एक बिल मिलेगा जिसके थ्रू आप इस स्कूटी को चला सकते हैं, कोई आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की स्कूटी जो रहती हैं ये 25 की स्पीड के है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 25 की स्पीड से ऊपर की स्पीड में आपको RC और आपको इंश्योरेंस वगैरह सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो इस चीज़ में नहीं है। ना ही इस स्कूटी में कोई आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, आपको RC वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। और इस स्कूटी में अगर मैं आपको बात करूँ तो ये बेसिकली स्कूटी अगर आपको चाहिए तो आपको ये श्रीजी मोटर्स पर मिल जाएगी। श्रीजी मोटर्स का जो आपका ये जहाँ की लोकेशन है, ये बेसिकली फरीदाबाद बल्लभगढ़ के अंदर मोहना रोड पर श्रीजी मोटर्स है। इसकी लोकेशन मैं आपको गूगल के थ्रू आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी गूगल मैप्स की लोकेशन मैं इसके अंदर डाल दूंगा, और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पर आप जाके इसके बारे में परचेज कर सकते हैं और इसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। और इस स्कूटी की अगर मैं बात करूँ तो लुक्स वगैरह के अंदर ये काफ़ी अच्छी स्कूटी है। अगर आपको ये खरीदनी है तो आप श्रीजी मोटर्स के पास जाके वहाँ से आप इस स्कूटी को परचेज कर सकते हैं। इस स्कूटी में अगर मैं बेसिकली कलर की बात करूँ तो ये बेसिकली जो कलर है ये ब्लू कलर है, बट इसमें आपको रेड कलर, व्हाइट कलर, ये सारे कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं। और आपको श्रीजी मोटर्स पे, जो कि यहाँ पे है फरीदाबाद बल्लभगढ़ मोहना रोड पे, यहाँ पे आपको स्कूटीज की सारी रेंज मिल जाती है। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर कि आपको यही मॉडल मिलेगा, आपको स्कूटी की सारी रेंज मिल जाती है। तो आपको सारी स्कूटी आपको अपने डिजाइन के हिसाब से लिथियम बैटरी वाली या फिर लेड एसिड बैटरी वाली सब तरीके सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ड्राइव सेफ एंड ऑलवेज वियर हेलमेट।